वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में। तो हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब जितने भी वैल्यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट में, जितने भी वैल्यू डाले जाते हैं, ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज़ ही बोले जाते हैं, चाहे उसमें आप नॉर्मल वेरिएबल और उसकी वैल्यू डालिए। जैसे यहाँ पर नेम वैल्यू के पेयर में आपको ये पहली वाली वैल्यू दिख रही है, दूसरा भी नेम वैल्यू के पेयर में दूसरी वाली वैल्यू, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ऐसे करके हम जब मेथड इसमें डालते हैं, मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मेथड इसमें डालते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, तो उसको भी हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बता रहा है, मेथड्स आर स्टोर्ड इन प्रॉपर्टीज़ एज फंक्शन डिफिनेशन, ठीक, फंक्शन डिफिनेशन के रूप में मौजूद होते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक। तो मेथड इज़ ए फंक्शन स्टोर्ड एज प्रॉपर्टी, जो मेथड होता है वो फंक्शन होता है जो कि प्रॉपर्टी के रूप में स्टोर होता है पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक। मतलब इसमें आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो वहाँ पर क्या बोला जाएगा, उसको प्रॉपर्टी ही बोला जाएगा। चाहे आप वहाँ पर ये नेम वैल्यू के पेयर में ये वैल्यू रखिए, या फिर फंक्शन और उसकी फंक्शन का नेम और उसकी फंक्शन डिफिनीशन के रूप में आप वैल्यू रखिए, ठीक। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर ये फंक्शन का नेम होता है और उसके बाद ये फंक्शन कीवर्ड होता है और पूरी कर्ली ब्रैकेट में पूरी फंक्शन की डिफिनेशन होती है, पूरा कोड होता है फंक्शन का, ठीक है। अब इस फंक्शन या मेथड को एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पर है, ये है, कैसे एक्सेस करते हैं देखते हैं इसको करके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जावास्क्रिप्ट का टैग है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए, जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक। और इसी के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ दी गई है, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रूप में क्या है, फंक्शन नेम और उसकी यहाँ पर फंक्शन की पूरी डिफिनीशन बॉडी, ठीक। तो अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मेथड लगाया गया है गेट एलिमेंट बाई आईडी, डेमो नाम की आईडी वाला जो एलिमेंट है उसके इनर एचटीएमएल, यानी डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर एचटीएमएल यानी इस जगह क्या रखने की बात कर रहा है, पर्सन डॉट फुल नेम। पर्सन डॉट फुल नेम यही चीज़ है जो कि पर्सन ऑब्जेक्ट के जो की है, यानी जो नेम प्रॉपर्टी नेम है उसको कॉल कर रहा है, ठीक, उसको कॉल कर रहा है। कॉल करने के लिए आप यहाँ पर लगाते हैं पैरेंथेसिस, यानी कि ये जो है कैसे काम कर रही है, प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कैसे चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम फुल नेम जो है, यानी इस फंक्शन का जो नेम है उसके पहले, उसके आगे हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, पर्सन ऑब्जेक्ट के इस फुल नेम फंक्शन को कॉल कर लिया जाता है। कॉल करने के बाद क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पर आकर इसकी चीज़ों को एक्सेस करता है और यहाँ से रिटर्न मिलता है दिस डॉट फर्स्ट नेम। यहाँ पर जो दिस है, दिस क्या काम कर रहा है, ये जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है उसको ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन को। तो असल में ये क्या है, ये हो जाएगा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। लेकिन चूंकि हम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो इसको बार बार नहीं लिख सकते पर्सन को, इसीलिए हम इसकी जगह पर दिस लिखते हैं, ठीक। और इसकी वजह से फर्स्ट नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं जो कि पर्सन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम से हमारा क्या एक्सेस हो जाएगा, ये जॉन एक्सेस हो जाएगा। फिर उसके बाद दिस डॉट लास्ट नेम से क्या एक्सेस हो जाएगा, ये डूई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझिए। फिर ये वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी जिसने इस फंक्शन को कॉल किया होगा, ठीक। तो कॉल यहाँ से हुई है तो यहाँ पर आकर ये इसकी वैल्यू रिटर्न कीवर्ड के जरिए ये वैल्यू यहाँ पे आके बैठ जाती है, इसको ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड है ये उठा के यहाँ पे रख देता है इनर एचटीएमएल पे, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज पर डिस्प्ले करा देता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक। तो ऐसे करके होता है ये मेन, इसको ये जो दिस है इसी के बारे में हम अब आगे देखेंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अपने जो लोकल पेरेंट है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो लोकल ऑब्जेक्ट कौन है इसका, पर्सन है, पर्सन के अंदर है, इसलिए इसी को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं जॉन को, तो कैसे करते हैं, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया, बस उसका रूप चेंज कर दिया गया, दिस
दिस जो है पर्सन की जगह पर लिख दिया जाता है। ठीक, इस पर्सन के अंदर हम जो भी चीज़ पर्सन की पर्सन जिन चीज़ों को भी हम एक्सेस करेंगे उन सब सारी जगहों पे आपको दिस ही लिखना पड़ेगा।